नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो वैकेंसीज आने वाली हैं, बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और क्या सिलेबस रहेगा। तो पूरा पैटर्न हम लोग देखेंगे और कितने मिनट का पेपर होगा, पूरा का पूरा हम लोग ए टू जेड देखेंगे विदाउट एनी डाउट। ओके, तो दोस्तों जो भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिकॉर्डिंग आपको अच्छे खासे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एक बात सभी की रहती है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, पेपर कितने नंबर का होगा और पेपर कितने मिनट का होगा। दोस्तों देखिए, पेपर जो टोटल होगा वो टोटल 100 क्वेश्चन का होगा और जो उसकी टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 90 मिनट। ओके, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, पहला तो देखिए आ जाता है रीजनिंग, तो रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो है मैथ्स, और मैथ से दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज, GK जिसको कहते हैं, और करंट अफेयर्स के टोटल मिला के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के आपके टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो दोस्तों देखिए CBT बेस्ड होगा आपका एग्ज़ाम, ऑनलाइन होगा। ओके, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो लगभग आपको 0.25 नंबर आपका कटेगा। ओके, एक तिहाई नंबर आपका कटेगा प्रत्येक क्वेश्चन से अगर आप गलत करते हैं, तो इसमें निगेटिव मार्किंग है। अब देखते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो देखिए, पहला सब्जेक्ट आता है आपका मैथ्स, मैथ्स से देखिए टॉपिक आता है नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं संख्या पद्धति, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है वी बॉडमॉस, और अगला टॉपिक आता है साधारण और दशमलव भिन्न। फिर आता है महत्तम समावर्तक और लघुतम समापवर्त, LCM आएगा आपका टॉपिक। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो परसेंटेज, प्रतिशतता। फिर जो टॉपिक आता है वो मेंसुरेशन। फिर समय एवं कार्य आता है। उसके बाद नया टॉपिक आता है समय, दूरी एवं चाल। फिर साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद लाभ हानि और बट्टा, एलजेब्रा आएगी और ज्यामिति भी आएगी। ओके, और टॉपिक आपके छूट रहे हैं जिसमें थे ट्रिग्नोमेट्री, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल एवं घनमूल, क्यूब रूट्स एवं स्क्वायर रूट, आयु की गणना से रिलेटेड, कैलेंडर एवं घड़ी, पाइप तथा टंकी, जो कि आप टाइम एंड वर्क से रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, मैथ से रिगार्डिंग जितना भी आपको मैंने टॉपिक बताए हैं वो सभी लोग अपने आप तैयार करते रहिएगा और मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा। अब आते हैं सामान्य जागरूकता, मतलब GK और करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछा जाएगा। GK के टॉपिक देखिए, सामान्य ज्ञान आएगा, भारत का इतिहास आएगा, ज्योग्राफी आएगी, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था, और जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे। देखिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और जैविक विज्ञान, जीव विज्ञान, तो साइंस से भी, जनरल साइंस के भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, रीजनिंग में दोस्तों देखिए अनुरूपता, और अगला टॉपिक जो आता है वर्णानुक्रमण अनुसार, और श्रृंखला संख्या, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, गणितीय संक्रियाएं आएंगी, संबंध रिलेशन वाला, फिर प्रतीकों द्वारा प्रस्तुति वाला आएगा, और अगला जो टॉपिक है वो है जंबलिंग, और नेक्स्ट टॉपिक आता है वेनारेख, और नेक्स्ट है आंकड़ों का निर्वचन और पर्याप्तता, और फिर है निष्कर्ष और निर्णय लेना। ओके, फिर समानता और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, वर्गीकरण और डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कथन तर्क और धारणाएं, ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों देखिए, अब आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर से दोस्तों आपको कई टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, और इससे रिलेटेड काफ़ी फुल फॉर्म वगैरह भी आ सकते हैं आपके, तो मैं आपको बाकायदा वीडियो से आपके टॉपिक कवर करवाऊंगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिगार्डिंग जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज तो आ रही हैं, लेकिन अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो आप बेधड़क नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो उस सब्जेक्ट को बताइए, मैं उससे रिगार्डिंग अच्छे खासे आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।